मन इंसान के ऊपर चढ़ के बोल गया, गद्दारों के मंसूबों से लहू हमारा खोल गया। एक सपोली सेना के बाहुबल को तोड़ रही, एक सपोली सेना के बाहुबल को तोड़ रही, बिहार की रंजीत रंजन ये भाषा कैसी बोल रही, बिहार की रंजीत रंजन ये भाषा कैसी बोल रही। आप लोगों को काफी हद तक मेरी कविता का विषय पता चल गया होगा, इसके बारे में और अधिक बताऊंगी, लेकिन इससे पहले नमस्कार, मैं आशु परिहार। सबसे पहले मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करना चाहती हूँ कि पत्थर खाने के बावजूद भी आप उन लोगों की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते हो। डे बाय डे कोई राजनेता सेना पर विवादित बयान देके चला जाता है। अभी भी एक राजनेता ने उनसे बोला है कि उनके काम में दखल अंदाजी दी है। जी हाँ, बिहार की सांसद रंजीत रंजन ने कुछ बोला है और उससे माफी मंगवाने का जिम्मा अब उठाया है दीपक शर्मा और कृष्णा त्यागी। कौन है ये दीपक शर्मा और कृष्णा त्यागी? ये दीपक शर्मा और कृष्णा त्यागी वही हैं जब 31 दिसंबर को सब नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे थे, वो सेना के सम्मान में जंतर मंतर पे खड़े थे। जी हाँ, वो सेना के सम्मान में जंतर मंतर पे खड़े थे। और हमें सेना का सम्मान क्यों करना चाहिए और रंजीत रंजन उसके बारे में क्या बोली है, इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको कि सेना का अपमान नहीं ये देशद्रोही का नारा है, कि सेना का अपमान नहीं ये देशद्रोही का नारा है। ठंडी झीलों से निकला जलता सा अंगारा है, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पे सोए हैं, ना इंसाफी उन माओ से जिसने बेटे खोए हैं। और तुमको भी रंजीत रंजन जी इसका सचमुच ध्यान रहा होता अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। ये पहली बार नहीं है, अक्सर सेना को लेकर बहुत राजनेता बातें बोलते रहते हैं। जब सैनिक शहीद हो जाता है तो 10-5 लाख रुपए देकर उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, उसके घर वालों को 10-5 लाख रुपए दे देते हैं, फिर उसको कोई कुछ पूछने वाला नहीं होता है। तुमने 10-10 लाख दिए वीर सैनिकों की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए वीरों की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी वीरों की माओ को। लो मैं 20 लाख देती हूँ तुम किस्मत के गद्दारों को, हिम्मत है तो लड़ने भेजो मंत्री अपने बेटों को, हिम्मत है तो लड़ने भेजो मंत्री अपने बेटों को। अब कान खोल कर सुन लो जग, माफी का नाम नहीं होगा, जो आंख उठेगी सेना पर उसका ही नाम नहीं होगा। अब मैं आवेदन करना चाहती हूँ, आंदोलन करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि हमारी एक एक सांस जिनकी कर्जदार है, हमारी भारतीय सेना की, तो उठ खड़े हो जाओ अब मैदान में, सेना के सम्मान में दीपक और कृष्णा संग मैदान में, तो उठ खड़े हो जाओ अब सेना के सम्मान में दीपक और कृष्णा संग मैदान में। जय हिंद, जय भारत।